ग्वालियर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया का कांग्रेस पर निशाना आया। उन्होंने अयोध्या के न्योते को अस्वीकार कर अभागापन दिखाया है। उन्होंने कहा कांग्रेस की तुलना मंथरा से उन्होंने की है। मंथरा भले ही मर गई है लेकिन उसकी आत्मा शायद अभी भी जिंदा है। 22 जनवरी का दिन सबसे बड़ा दिन है। इस दिन को किसी जातीय या राजनीतिक दलों की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता, उनका ये भी कहना है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अयोध्या के निमंत्रण अस्वीकार किए जाने पर पवैया ने करारा प्रहार किया है। बजरंग दल के संस्थापक सदस्यों में से एक पूर्व अध्यक्ष है जयभान सिंह पवैया और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता। राष्ट्र के सम्मान के लिए सबको उठकर खड़ा होना चाहिए। जिनको निमंत्रण दिया गया उनको उस सौभाग्य को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का अभागापन हम कैसे दूर करें जिन्होंने रामलला के न्योता को ही ठुकरा दिया है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि मंथरा तो मर गई मगर मंथरा की आत्मा भारत में अभी भी जिंदा है। जब दिया जले 22 जनवरी को तो कोई कोक भवन में बैठकर न रहे, इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करता। तो मंथरा भले ही मर गई लेकिन उसकी आत्मा अभी जिंदा है, ऐसा इनका कहना है।